हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं रेडमी नोट 11 प्रो और मोटो G60 और इन दोनों स्मार्टफोन से जुड़ी सभी डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, और इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रेडमी नोट 11 प्रो में 6.67 इंच की एमोलेड और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो दूसरे स्मार्टफोन से अच्छी डिस्प्ले है। और अब देखते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर को। मोटो G60 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G वाला वेलन गुड प्रोसेसर मिल जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। और मोटो G60 में बैक में 108+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का स्मार्ट कैमरा देखने को मिलता है, जो रेडमी नोट 11 प्रो से अच्छा मेगापिक्सल का और गुड क्वालिटी का है, जिससे आप अच्छी फोटोशूट कर सकेंगे। और दोनों स्मार्टफोन में लगी बैटरी और चार्जिंग की कंपैरिजन करें तो मोटो G60 में 6000 mAh की बैटरी और रेडमी नोट 11 प्रो में 67 वोट का चार्जिंग देखने को मिलता है, जिससे आप कम टाइम में फुल्ली बैटरी चार्ज कर पाएंगे। और दोनों स्मार्टफोन में रैम और स्टोरेज के मामले से देखें तो दोनों स्मार्टफोन में अच्छी रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन की इंडिया में प्राइस को देखें तो रेडमी नोट 11 प्रो 18,000 में और मोटो G60 20,000 में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन सारे फीचर्स को देखते हुए मोटो G60 में सेकंड स्मार्टफोन की कंपेयर में थोड़े अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।